भारत की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी रनबैक्सी ने दुनिया के कुछ और मुल्कों में अपने कारोबार के विस्तार की योजना बनाई है। कंपनी के नवनियुक्त चेयरमैन तेजेंद्र खन्ना ने यह जानकारी दी। अभी ईस्ट यूरोप में, वेस्ट यूरोप में, अमेरिका में और इधर चीन में, थाईलैंड वगैरह में, अफ्रीका में भी, नॉर्थ अफ्रीका वगैरह में इनकी प्रेजेंस है। तो हमने बोला कि अब लैटिन अमेरिका, जहाँ पर कि बड़े विशाल देश हैं, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, मेक्सिको है, वहाँ भी हम अपनी लिंकेजेस धीरे धीरे बढ़ाएंगे। रनबैक्सी 22 संयुक्त उद्यम के जरिए दुनिया के कई मुल्कों में अपना कारोबार करती है। कंपनी की 50% आमदनी उसके निर्यात से होती है। खन्ना ने कहा कि शोध और अनुसंधान को और भी प्रमुखता दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर इसका बजट भी बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे इसकी आवश्यकता होगी बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं इसको मानता हूं कि R&D के अंदर हमारी फ्यूचर स्ट्रेंथ छिपी हुई है। रनबैक्सी प्रमुख ने बताया कि शोध और अनुसंधान के लिए दुनिया भर की प्रमुख प्रयोगशालाओं के साथ ही प्रमुख वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से तालमेल की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि परविंदर सिंह की कार्यशैली को पूरा महत्व देते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी मजबूत किया जाएगा।